नमस्कार मित्रों, आज के मुफ्त के उपचार चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न में लिखा है, भैया एक लेडीज है। एक है तो लेडी होता है, दो बहुत होते तब लेडीज होता है। एक लेडी है, गांव की है, उसका हाथ सुन्न हो जाता है, कोई दवा हो तो बताना। देखिए, इसके विषय में एक मैं बात करना चाहूंगा कि हाथ पैर जब भी सुन्न हो जाते हैं तो शरीर में एक छार होता है। छार जब वो छार कम पड़ जाता है तो उस समय उसके हाथ पैर सुन्न हो जाने लगते हैं, और वो छार की पूर्ति यदि करनी है, और जब भी कैल्शियम की कमी पड़ेगी तब आपको ये हाथ पैर में सुन्न होने लग जाएंगे। और कैल्शियम की पूर्ति के लिए हमारे पास जो साधन है वो बहुत से हैं। इसके लिए मैं बता दूं, केला खा कर के भी आप कैल्शियम ले सकते हो, दूध खा करके भी, दूध को इस्तेमाल करके भी कैल्शियम ले सकते हो। लेकिन कोई शहर में यदि है तो शहर में तो दूध मिलने वाला है नहीं। शहर में तो क्या कहूँ, सफ़ेद पानी को दूध कहते हैं। सफ़ेद का मतलब दूध नहीं होता है, दूध का मतलब दूध होता है। शहर में जितना मिल रहा है वो सफ़ेद पानी है, और दूध तो है ही नहीं, तो शहर की बात नहीं कर सकता हूँ। एक बहुत आसान उपाय है कैल्शियम की पूर्ति के लिए। यदि आपको कैल्शियम की पूर्ति करनी है, कैल्शियम की कमी है, तो आप चूना, चूना जो गीला होता है, पान में लगा करके खाया जाता है, कुछ लोग तंबाकू में लगा के भी खाते हैं, तो उस चूने को एक गेहूं के दाने के बराबर, गेहूं का दाना छोटा सा, गेहूं के दाने के बराबर यदि आप चूने को लेकर के और उसको पानी में खा लेंगे तो इससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। जब कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी तो आपके हाथ में जो सुन्न हो जाता है, माने झंझनाहट होती है, वो सब खत्म हो जाएगी। कैल्शियम की कमी है। और अब यदि चूने की बात करिए तो चूने के विषय को मैं विस्तार से थोड़ा ले लें, क्योंकि अब मैं चाहूँगा कि अब चूने का ही पूरा विषय ले लें। इसमें चूना जो है ना, चूना 71 बीमारियों को जड़ से समाप्त करने का बहुत अच्छा साधन है। आज मैं चूने के विषय को पूरा ले लेता हूँ। चूना जो है 71 बीमारियों को जड़ से समाप्त करने का बहुत अच्छा साधन है। और इसमें एक बाद में बात आपको बता दूंगा कि चूना कैसे खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और इससे क्या यदि ज़्यादा लेते हैं तो क्या तकलीफ होती है, इन सभी विषयों को मैं अभी रखूंगा आपके सामने। यदि चूना लेते हैं और कैल्शियम की यदि कमी पड़ती है, तो सबसे पहले कैल्शियम के लिए बता दें, कैल्शियम की कमी जब हो जाती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हाथ पैर में झंझनाहट हो जाती है, कभी कभी माताओं के यूट्रस में गांठें पड़ जाती हैं, वो कैल्शियम की कमी से होता है। तो माताओं के यूट्रस में जो गांठें होती हैं, तो उसको यदि दूर करने है तो डॉक्टर तो कह देगा कि हम इसका ऑपरेशन करके यूट्रस को बाहर कर देंगे, यही मेरे पास उपाय है। लेकिन सच्चाई ये है कि गांठें तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कैल्शियम की कमी की, एक होता है कैल्शियम की अधिकता से, एक होता है कैंसर से। कैंसर की गांठें थोड़ी अलग होती हैं और कैल्शियम की कमी की गांठें अलग होती हैं, कैल्शियम की अधिकता की गांठें अलग होती। कैल्शियम की अधिकता की गांठें पथरी कहलाती हैं, और जो यूट्रस में ज़्यादातर कैल्शियम की कमी की गांठें होती हैं। तो यदि आप इसमें यदि उपचार करना चाहो, यूट्रस में यदि आपके क्या कहते हैं गांठें पड़ गई हैं, तो इसके लिए आप उपाय यही है कि सिर्फ आप उसको क्या करो कि थोड़ा थोड़ा चूना गेहूं के दाने के बराबर लेना प्रारंभ करो। और ध्यान इतना रखना है, यदि आपके शरीर में कोई पथरी नहीं है तो ही चूना लेना है। यदि आपके पास शरीर में पथरी है तो आप चूना बिल्कुल मत लीजिए, आपके लिए बहुत निषिद्ध है, क्योंकि कैल्शियम तो आपके पास वैसे ही एक्स्ट्रा है, और आगे यदि चूना खाओगे तो पथरी बढ़ने ही वाली है, तो इसलिए आप चूना मत खाओ। लेकिन जिसको चूना कैल्शियम की कमी है तो वो चूना खा सकता है। कैल्शियम के कमी के लक्षण बताएं, सबसे पहले हाथ पैर में झंझनाहट होना, ये भी कैल्शियम की कमी। और कभी कभी क्या होता है कि बैठे बैठे नींद आती है, पढ़ाई के लिए बैठो नींद आती है, अच्छे वाले बैठ जाओ नींद आती है, दिन भर आलस जैसा लगता है।
ये भी एक क्षार की कमी से होता है, वो भी चूना से मिलता है। और चूना से मैंने देखा है कि जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिनके जोड़ों में गठिया बात वगैरह जो हो जाते हैं, इसमें बहुत लाभकारी होता है। किसी के केवल बात होता है, किसी का गठिया बात होता है। बात के लिए तो मैंने राजस्थान क्षेत्र में जाकर के, वहाँ सबसे ज़्यादा बात के रोगी हैं, तो वहाँ बात के रोगियों को मैंने क्या किया, कुछ नहीं, केवल उनसे कहा कि आप चूना खाना प्रारंभ कर दो, आपको लाभ मिलेगा। तो उन्होंने चूना खाना प्रारंभ किया, परिणाम ये निकला कि उनके दो दो रुपए के चूने में उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ। और वैसे कह रहे थे कि हमने जाने कितना इलाज करा लिया, कहाँ कहाँ भटके, लाभ नहीं हुआ। लेकिन इसमें जिसको बात है तो बात के लिए बताते हैं, 4 दिन चूना खाना पड़ेगा, तब उससे कुछ लाभ महसूस होगा। नहीं तो 4 दिन के बाद सोचोगे हमारा पूरा ठीक हो जाए, तो नहीं होने वाला। 4 दिन खाइए, इसके बाद थोड़ा लाभ महसूस होगा, और लाभ होने के बाद फिर आगे धीरे धीरे चल करके फिर वो काफ़ी राहत दे देता है। लेकिन यूरिक एसिड बन रहा है, उसके लिए आपको रोकना तो पड़ेगा, क्योंकि यूरिक एसिड यदि बनता रहेगा तो चूना कब तक नष्ट करता रहेगा, चूना का भी साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये भी हार्ड वो है। तो ये और गेहूं के दाने के बराबर से कभी ज्यादा नहीं खाना है, आधे गेहूं के दाने के बराबर, यदि कम हो समस्या तो आधे गेहूं के दाने के बराबर खा लेना है चूना। तो इतना चूना खा करके इससे 71 रोग जाते हैं, और हड्डियों का दर्द, जैसे दांतों का दर्द, अचानक तो हर बात याद नहीं, एकदम अचानक नहीं आती है, जैसे दांतों में दर्द होता है, दांत भी हड्डी होता है, पायरिया है। पायरिया में क्या होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, और इससे भी मतलब दांतों में भी दर्द होता है। जिसके दांत T1 कर रहे हो तो उसको क्या है कि गेहूं के दाने के बराबर चूना खा लेना है, तो 2 दिन बाद उसको क्या कहते हैं, ये दांतों का दर्द खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से वे इलाज कर सकते हैं। और जिसको भी, जैसे अभी एक भाई ने भेजा है, तो आप भी यदि चाहो तो आप भेज सकते हो, और उसका पूरा निदान करने का प्रयास करूंगा। तो उन्होंने जो भेजा था कि हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न होने का केवल एक ही कारण है कि उसके अंदर कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की धीरे धीरे पूर्ति करने के लिए आधे एक गेहूं के दाने के बराबर चूना खा सकते हैं, और उससे क्या है कि हाथ पैर का सुन्न होना बंद हो जाएगा, और हड्डी के, कोई भी हड्डी का विषय है, दर्द है, वो भी खत्म हो जाएगा। जुकाम में भी लाभकारी होता है, और ये बात रोग को बड़े अच्छी तरह से नष्ट करता है। बात के कोई भी रोग होते हैं उसमें बात का, बात नाशक चूना होता है, तो इसलिए बात रोग को नष्ट करने का सबसे अच्छा साधन हमारे पास चूना है। तो चूना को इस्तेमाल कर सकते, बस निषिद्ध एक ही बात है कि यदि आप के अंदर पथरी है, आप चूना नहीं ले सकते हैं, चूने का पानी भी नहीं ले सकते हैं। अब चूना लेने के साधन बता दें, चूना लेने के साधन ये है कि यदि किसी को पीलिया हो गया है, बड़ा भयंकर रोग होता है पीलिया, यदि किसी को पीलिया हो गया है तो यदि वो चूना लेना चाहे तो वो ले सकता है गन्ने के रस में। 4 दिन चूना लेगा, पीलिया का रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। और यदि किसी को बात रोग लगा है तो बात रोग के लिए यदि जैसे घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, तो उस दर्द को नष्ट करने के लिए उसके लिए सबसे अच्छा साधन है, वो पानी में ले सकता है, दही में ले सकता है। और अगर जो किसी बच्चे की 21 साल से कम उम्र है, और वो बच्चे की लंबाई यदि कम है, तो उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए यदि चूना का हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको दही में करेंगे, और उसको बच्चे को बहुत मामूली सा चूना देना है, आधे गेहूं के दाने के बराबर से भी कुछ कम, और 21 साल तक की उम्र तक ये लंबाई बढ़ाता है, इसके बाद लंबाई नहीं बढ़ाएगा। और यदि 21 साल से छोटा कोई बच्चा है तो उसको लंबाई की यदि जरूरत है तो चूना का इस्तेमाल करके अपनी लंबाई बढ़ा सकता है, आसानी से बढ़ जाती है। और इस प्रकार से जुकाम वाले को भी ले लेना है, और जैसे यूट्रस में कोई समस्या है, गांठें जैसे पड़ गई हैं, तो गांठें कभी ब्रेस्ट में भी पड़ जाती हैं, तो ब्रेस्ट की भी गांठें वही 3 प्रकार की होती है, कभी कभी कैंसर की होती हैं, कभी कभी पेट
पथरी की तो यहाँ नहीं होने वाली है, यहाँ पर कैल्शियम की कमी की है। यहाँ पर दो प्रकार की गांठें होती हैं। यदि कैंसर की गांठें हैं तो दर्द नहीं करेगी, लेकिन अगर जो ये गांठें कैल्शियम की कमी की हैं तो उसको छूने के बाद दबाने से टाइट तो लगेगी, लेकिन छोड़ने पे दर्द होगी। जो छोड़ने पे यदि दर्द हो तो जान लीजिए कैल्शियम की कमी है। उसमें चूना आप ले सकते हो, तो उसके लिए केवल पानी या दही का इस्तेमाल करके पानी वो ले सकते हैं। दूध में चूना नहीं लेना है, दही में लेना है या पानी में लेना है या गन्ने के रस में लेना है। गन्ने के रस में वैसे कोई भी चूना ले सकता है। तो इस प्रकार से बहुत से हैं, जितने दिमाग पे अचानक आ गए उतने आ गए, और यदि कोई और भी होंगे तो और अन्य वीडियो में डाल डाल करके आप तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी। और आप लोगों की सेवा करने का एक भाव है, वो हमें आप लोगों के आशीर्वाद से पूरी सेवा करने का अवसर मिले। मैं आप सभी लोगों से यही आशीर्वाद की कामना चाहते हुए, और बस हमारा लक्ष्य एक ही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त मुफ्त से मुफ्त उपचार हो जाए, बस इसी आशीर्वाद की कामना करते हुए आप लोगों से विदा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।